बेटमा के समीपस्थ आदर्श ग्राम बड़ी धन्नड़ में चल रहे 4 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा और 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव में इंदौर सांसद शंकर ललवानी आदर्श ग्राम बड़ी धन्नड़ पहुंचे, जहां उनका स्वागत साल श्रीफल एवं गाजे दुपट्टे के साथ किया गया। 21 मई से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में दीक्षा, सामूहिक जप, ध्यान, देव पूजन, गायत्री महायज्ञ, कार्यकर्ता गोष्ठी, संगीत प्रवचन, गुरु दीक्षा और विभिन्न संस्कार, प्रज्ञा, योग, व्यायाम के साथ मंगलवार को पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि यहाँ वातावरण को शुद्ध करते हैं और वहीं ये हमारी सनातन संस्कृति का बड़ा हिस्सा भी है। सांसद शंकर लालवानी ने इस दौरान कुंड में बैठकर गायत्री मंत्र के साथ आहुतियाँ भी दी। महाआरती एवं विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दक्षिणाम श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। 108 कुंडी गायत्री यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ है। ये यज्ञ के माध्यम से हम पूरे वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिन जिन ने इसमें भाग लिया है उनकी पीढ़ी तो तड़ेगी और जो आयोजन करता है उनकी 7 पीढ़ियाँ तड़ेगी, ऐसा कहा जाता है यज्ञ में। तो यज्ञ का लाभ आप सबको मिले। हरिद्वार से जो हम आज धन्नड़ में 108 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया था और भव्य आयोजन था। गांव में आसपास के गांव के भी आए थे, हर गांव का एक कुंड था और सबने मिल के यज्ञ किया। आज यज्ञ की पूर्णाहुति थी, भंडारा था और सबने यही कामना की कि इस गांव का, इस शहर का, इस प्रदेश का, देश का भला हो। पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, इसी को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यज्ञ किया। गायत्री परिवार का यज्ञ था और बहुत उत्साह के साथ यज्ञ संपन्न। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।